इंट्रोडक्शन टू सी एन सी प्रोग्रामिंग फॉर्मेट सीएनसी प्रोग्रामिंग में वन एड्रेस फॉर्मेट सबसे कॉमन फॉर्मेट है जो पार्ट प्रिंट से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है ताकि मशीन के सर्वो रिलीज और माइक्रोस्विचेज काम करें और पार्ट मैन्युफेक्चरिंग हो सके इस फॉर्मेट में कई अलग अलग कोड होते हैं जो लॉजिकल सिक्वेंस में अरेन्ज होते हैं जिसे ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं हर ब्लॉक में इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वह एक मशीनिंग ऑपरेशन कंप्लीट कर सके मशीन कंट्रोल यूनिट एम और प्रोग्राम फॉर्मेट हर सी मशीन प्रोग्राम को एक फॉर्मेट में लिखा जाता है जिसे एम मशीन कंट्रोल यूनिट समझ सके सीएनसी मशीन का प्रोग्रामिंग फॉर्मेट मशीन टूल बिल्डर द्वारा डिफाइन किया जाता है और यह कंट्रोल यूनिट टाइप पर डिपेंड करता है वेरिएबल ब्लॉक फॉर्मेट सबसे कॉमन है जिसमें लेटर्स और उसके बाद न्यूमेरिकल डाटा यूज होता है जैसे कि डिस्टेंस फीड रेट और स्पीड वैल्यू जी केड और एम कोड का क्या रोल है जी कोड ये प्रेपरेटरी फंक्शन होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर टूल को मूव करना एम कोड ये मेशीनियस फंक्शन कंट्रोल करते हैं जैसे स्पिंडल को ऑन या ऑफ करना एफ एस डी और टी कोड का यूज फीड फीडरेट स्पीड कटर डायमीटर ऑफसेट और टूल नंबर स्पेसिफाई करने के लिए होता है जी कोड को कभी कभी साइकिल कोड भी कहते हैं क्योंकि ये मशीन टूल के एक्स वाई जेड एक्सिस पर ऑपरेशन डिफाइन करते हैं जी कोड का ग्रुपिंग और फंक्शन के बारे में अभी हम जानेंगे जी कोड का ग्रुपिंग और फंक्शनलिटी ग्रुप वन कोड जी जीरो जीरो रैपिड पोजिशन टूल को मैक्सिमम स्पीड पर क्विकली मूव करता है G01 जीरो वन लीनियर इंटरपोलेशन टूल को स्ट्रेट लाइन में कंट्रोल्ड फीड रेट पर मूव करता है G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज आर्क या सर्कल कट करता है G03 जीरो थ्री सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉक काउंटरवाइज आर्क कट करता है ग्रुप सिक्स कोड्स में G20 इंच इनपुट मशीन को इंच में इनपुट इंटरप्रेट करने के लिए सेट करता है G21 ट्वेंटी मैट्रिक इनपुट मशीन को मिलीमीटर इनपुट इंटरप्रेट करने के लिए सेट करता है अदर यूजफुल ऑफ जी कोड्स G24 ट्वेंटी रेडियस प्रोग्रामिंग रेडियस के आधार पर आर्क प्रोग्रामिंग करने के लिए G28 ट्वेंटी एट रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट टूल को मशीन रेफरेंस पॉइंट पर वापस ले जाता है जी ट्वेंटी नाइन रिटर्न फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टूल को रेफरेंस पॉइंट से वापस स्पेसिफाइड लोकेशन पर ले जाता है जी थर्टी टू थ्रेड कटिंग थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है जी नाइन्टी प्रोग्रामिंग मशीन को एब्सुलूट मोड में सेट करता है ताकि सभी पोजिशन प्रोग्राम जीरो से मेजर हो जी वन इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग कटर टूल पोजीशन के बेसिस पर पोजीशन स्पेसिफाई करता है एम कोड मिसलेनियस फंक्शंस एम03 अ स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करता है एम04 अ स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करता है एम05 स्पिंडल को ऑफ करता है एम कोड ग्रुपड नहीं होते हैं लेकिन कई एम कोड एक जैसे ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं एम06 टूल चेंज विद ऑटो रिट्रेक्शन एम जीरो सिक्स कोड का उपयोग टूल चेंज के लिए होता है जब यह कमांड दिया जाता है तो टूल ऑटोमेटिक तरीके से रिट्रैक्ट होता है पीछे हटता है और नया टूल सेटअप में लग जाता है एग्जाम्पल के तौर पर सपोज आप एक सी ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और ड्रिल बीट के बाद एक इंडमिन लगाना है प्रोग्राम में एम जीरो सिक्स डालने से मशीन स्पिंडल टूल को बदल देगा जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है टूल चेंज होते समय करंट टूल स्पिंडल से हटकर नया टूल अटैच हो जाता है इस ऑटोमेशन से डाउन टाइम कम होता है और मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं रहती एम थर्टी इंड प्रोग्राम एंड रिटर्न टू बिगिनिंग एम थर्टी कुछ प्रोग्राम के अंत में डाला जाता है यह न केवल प्रोग्राम को एंड करता है बल्कि इसे स्टार्ट पॉइंट पर रीसेट कर देता है ताकि अगली बार जब प्रोग्राम चलाया जाए तो वह शुरुआत से शुरू हो यह एक लूप या रिपीट ऑपरेशन के लिए हेल्पफुल है एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप एक बैच में मल्टीपल पार्ट्स बना रहे हैं तो M30 कोड इंश्योर्स की हर पार्ट के बाद प्रोग्राम ऑटोमेटिक रिसेट हो यह कोड मशीन को अगले साइकिल के लिए तैयार कर देता है डायग्राम में आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम में G0, G1 एंड फिर M30 का सीक्वेंस दिया गया है प्रोग्राम जैसे ही एम पर पहुंचता है वह वापस स्टार्ट पॉइंट ए पर चला जाता है जिससे मशीन अगले जॉब के लिए रेडी हो जाती है एम का उपयोग ऑटोमेटिक टूल चेंज के लिए होता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और मैनुअल वर्क कम होता है एम प्रोग्राम को फिनिश करके वापस स्टार्ट पॉइंट पर रिसेट कर देता है जिससे रिपीटेटिव प्रोसेस इफिसियंटली मैनेज होते हैं अब हम लोग सी मशीन में कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या उपयोग है उसके बारे में जानेंगे प्रोग्राम लिखने से पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना जरूरी है सबसे कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है आप इस सिस्टम से पहले से ही परिचित होंगे क्योंकि स्कूल में ग्राफ प्लॉट करते समय आपने इसे यूज किया होगा अब देखते हैं कि यह कोऑर्डिनेट सिस्टम सीएनसी मशीन पर कैसे लागू होता है दिए गए डायग्राम में एक टिपिकल सीएनसी मिलिंग मशीन के एक्सिस का एग्जाम्पल दिया गया है एक्स और वाई एक्सिस पर टेबल मूव करती है जेड एक्सिस स्पिंडल के अप एंड डाउन मूवमेंट को दर्शाती है जिससे कटिंग डेफ भी कंट्रोल होती है सी एन सी लेथ मशीन में इन एक्सिस का ऑपरेशन थोड़ा अलग होता है जेड एक्सिस लेथ की सेंटर लाइन के एलोंग होता है एक्स एक्सिस कंपोनेंट की सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर राइट एंगल पर रन करती है चलिए अब हम इसे ग्राफ पर आते हैं और देखते हैं कि यह प्रोग्रामिंग में कैसे काम करता है डेटम के, के राइट साइड पर जो भी डायमेंशन होंगे वो पॉजिटिव माने जाएंगे जबकि डेटम के लेफ्ट या नीचे की तरफ होने वाले डायमेंशन नेगेटिव माने जाएंगे कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम सीएनसी प्रोग्रामिंग में टूल की पोजीशनिंग और मूवमेंट डिफाइन करने के लिए यूज होता है ग्राफ प्लॉटिंग में आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेट एक्स और वाई एक्सिस पर पॉइंट्स को लोकेट करते हैं उसी तरह सीएनसी मशीन में टूल मूवमेंट और पार्ट मशीनिंग को कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है डायग्राम ओरिजिन को जीरो जीरो पर दिखाया गया है जिसे डेटम पॉइंट कहते हैं यह सीएनसी प्रोग्रामिंग में रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से सारी मेजरमेंट्स

एक्स एक्सिस पर नेगेटिव है और वाई एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में है टू माइनस थ्री एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव है वाई एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में है माइनस टू माइनस टू दोनों एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में है जीरो जीरो यह ओरिजिन है जहां एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो है यह सीएनसी प्रोग्राम में स्टार्टिंग या रेफरेंस पॉइंट होता है टूल पाथ प्रोग्रामिंग में इन कोऑर्डिनेट का उपयोग होता है ताकि मशीन सही पाथ पर मूव कर सके एग्जाम्पल के तौर पर अगर टूल को ओरिजिन से पॉइंट वन वन पर जाना है तो प्रोग्राम में एक्स वन बाई वन लिखा जाएगा अगर टूल को टू माइनस थ्री पर मूव करना है तो एक्स टू वाई माइनस थ्री का कमांड दिया जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट टूल के सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए इसेंशियल है ताकि मशीनिंग प्रिसाइज हो